मैं आज जा रही हूँ डीडी से घूमने के लिए। डीडी हिल्स पहुँच चुके हैं गाइस, फाइनली हम लोग टेंपल के अंदर पहुँच चुके हैं। राधे राधे आप सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा गुप्ता व्लॉग्स। आप लोग कैसे हैं? होपफुली आप लोग फिट हैं, फाइन हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल से गेस कर लिया होगा। हाँ जी, आप लोग सही हैं। मैं आज जा रही हूँ डीडीएस घूमने के लिए। मैं घर से बैंगलोर आ चुकी हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे पिछले ब्लॉग से। तो बस हम घूमने आज वीकेंड में निकल चुके हैं जाने के लिए डीडी हिल्स। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे घर से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स की दूरी पे है डीडी हिल्स। तो आज बस वहीं घूमने के लिए जा रहे हैं हम लोग। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेदर हुआ है यहाँ का, आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा हवा चल रहा है और बहुत क्लाउडी वेदर है। तो चलिए अभी अपने ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप लोग आज के ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। गाइस, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं चिका होसा हल्ली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का नेशनल हाईवे। और यहाँ से ऑलमोस्ट डीडी हिल्स आपको पड़ेगा 87 किलोमीटर्स। तो हम थोड़ी देर क्या, 1 आवर 2 आवर्स में पहुँचेंगे। नो आइडिया, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो आगे चल के आपको मैं अपडेट देते रहूँगी। अभी यहाँ पे हम रास्ते में रुक गए हैं। आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे रास्ते में एयरपोर्ट भी पड़ता है बेंगलोर का, और यहाँ का हाईवे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ का आप देख लीजिए कितना ही ज़्यादा क्लाउड वगैरह लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा वेदर है घूमने के लिए। होपफुली हम जल्दी पहुँच जाएँ ताकि हम आप लोगों को अच्छा अच्छा व्यूज़ दिखा सकें। तो चलिए चलते हैं और देख लीजिए कितना ही अच्छा व्यू आ रहा है। और अभी तक तो धूप नहीं था, बस धूप आ चुका है। तो चलते हैं, देखते हैं कि डीडी हिल्स का कैसा व्यू रहता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कैसा व्यू है यहाँ का। तो चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं कि कैसा है डीडी हिल्स। गाइस, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं डीडी हिल्स। और यहाँ पे आप देख लीजिए साइड व्यूज़ कितना ही सुंदर लग रहा है। हम सबसे पहले हिल्स पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम जो साइड में अदर व्यूज़ हैं वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अभी चलते हैं हिल्स की तरफ। यहाँ से आई थिंक कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स जाने में, 10 मिनट्स लग सकता है। मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो देखते हैं कितना समय लगता है, मैं आगे आप लोगों को अपडेट करती रहूंगी। गाइस, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक टेंपल है वहां पे जा रहे हैं, जिसका नाम काफी बड़ा है, मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगी, आप लोगों को लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे अभी यहाँ कुछ चार्ज लगता है, तो वो सब पे करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कितना चार्ज है यहाँ का, कितना चार्ज है। गाइस, हम लोग यहाँ पे अभी टेंपल की तरफ जा रहे हैं, और इसका क्लोजिंग का टाइमिंग 5 बजे और 5 बजने वाला है। देखते हैं हम लोग टेंपल की तरफ जा सक, मतलब टेंपल में दर्शन हम लोगों को मिलता है कि नहीं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ का एंट्री चार्जेस है, आप लोगों को 30 रुपीज़ पे करना पड़ेगा यहाँ के अंदर में जो टेम्पल है दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस भगवान का मंदिर है और हमको दर्शन मिल पाता है कि नहीं, क्योंकि टाइमिंग है इसका क्लोज होने का और 5 बजने ही वाले हैं, जैसा कि वो गार्ड ने बताया जो चार्ज ले रहा था। तो देखते हैं आगे हम क्या करते हैं,
हमारी किस्मत में दर्शन है कि नहीं है। गाइस हम लोगों ने अपना टेंपल जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिए क्योंकि समय नहीं है और हम लोगों को लग रहा है कि काफी चलना पड़ेगा। हम पता चला कि चलते चलते टेंपल ही बंद हो जाए, इससे अच्छा हमारा जो मेन हिल्स वाला व्यू है मैं आप लोगों को वहां ले चलती हूँ। सबसे पहले हम वो देखते हैं, फिर आगे देखेंगे कि बाद में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो टेंपल की एंट्री का चार्ज नहीं था, वो शायद मेन हिल्स के हिल्स का चार्ज था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हिल्स वगैरह देखते हैं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है यहाँ के बारे में। तो जो एक्सपीरियंस करेंगे हम वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। गाइज ये यहाँ पे आप लोगों को डीडी हिल्स का ये पार्किंग जोन है, यहाँ से आपको गाड़ी को पार्क करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को इस तरफ से चल के जाना है। और मैं जिस टेंपल की बात करी थी वो टेंपल यहाँ पे है। चलिए ऊपर से देखते हैं, अगर वो ऊपर से जाने का रास्ता होगा तो हम वहीं से जाएंगे, नहीं तो सिर्फ हिल्स का व्यूज़ आप लोगों को दिखा के हम नीचे वापस आ जाएंगे। गाइज़ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम डीडी हिल्स पहुँच चुके हैं, बस अभी वॉक करके हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और चलने में भी अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी नहीं है। क्योंकि गर्मी रहता है तो हम ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू है। अभी मैं आप लोगों को इसका टॉप से व्यू दिखाऊंगी, तब आप लोग देखेंगे और बताएंगे मुझे कि कैसा लग रहा है। और कोई मेरे ब्लॉग को बैंगलोर से देख रहा है तो वो कमेंट करके बता सकता है कि आप लोग अगर डीडी हिल्स विज़िट किए हो तो। गाइज़ हम लोग अभी टेंपल की तरफ जा रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पर छोटा छोटा शॉप्स है जहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। और यहाँ खाने पीने का सामान है और फ्लावर वगैरह भी मिल रहा है। तो चलिए अभी मंदिर की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने जो नीचे से आप लोगों को रास्ता दिखाया था वो नहीं है रास्ता मंदिर का, और ऊपर से ये वाला रास्ता है। तो हम अभी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं हम दर्शन कर पाते नहीं क्योंकि 5 बजे क्लोजिंग का टाइम है, 5 ऑलरेडी बज चुका है। देखते हैं हम क्या होता है आगे चल के। आप लोग यहाँ का पूरा टॉप व्यू देख लीजिए, कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा व्यूज़ है यहाँ का। और यहाँ पे लोग फोटोग्राफी वगैरह करवा रहे हैं। चलिए आप लोगों को साइड से दिखाते हैं इस साइड में क्या है। यहाँ ये देखिए कितना ही अच्छा व्यू है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स व्यूज़ हैं यहाँ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोगों ने फर्स्ट व्यू देख लिया जैसा कि आप लोगों ने देखा भी। गाइस फाइनली हम लोग टेंपल के अंदर पहुँच चुके हैं, लकी मी, नहीं तो ये लोग क्लोज कर देते हैं। तो चलिए अभी दर्शन करते हैं, पता नहीं किस तरफ से एंट्री है उनका। चलिए उल्टा डायरेक्शन में मैं हूँ।
लोग वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा था, और वेदर की वजह से और ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे रुकना। और जब हम नंदी हिल्स गए थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी इंजॉय नहीं कर पाई थी और टाइम भी कम था। तो देखिए, हमारा टेम्पल विजिट भी हो गया, भगवान की कृपा से हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए है। और यहाँ पे पीछे साइड में आप देखिए शॉप वगैरह है, तो देखते हैं अगर कुछ खाना वाना होगा तो खाएंगे, नहीं तो सीधे निकलेंगे घर की तरफ। गाइस, हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं, जहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि छोटा छोटा शॉप है, यहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, चाय और भज्जी। तो देखते हैं यहाँ का चाय और भज्जी कैसा रहता है, वो फीडबैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। गाइज, यहाँ पे हमारा भज्जी आ चुका है और यहाँ पे अभी मैं टेस्ट करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि यहाँ का भज्जी कैसा है। ये आलू भज्जी मैंने ऑर्डर किया है, उसके साथ में मैंने चाय ऑर्डर किया है। मैं खाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कैसा है। गाइस, भज्जी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही क्रिस्पी है, और इसके साथ में ऊपर में ये मसाले वगैरह डाला है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है खाने में, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और चाय का फीडबैक मैं पीने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ का भज्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। पहले मुझे लगा था कि यहाँ पे छोटा छोटा शॉप है, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, मैं थोड़ा सा हिचकिचा रही थी ऑर्डर करने में, बट जब मैंने खाया टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और मैं अभी आप लोगों को चाय पी के बताती हूँ कि यहाँ का चाय कैसा है। चाय भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग जब भी यहाँ पे विज़िट करते हैं तो आप यहाँ पे छोटे छोटे जो शॉप्स हैं वहाँ से आप स्नैक्स या टी वगैरह ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम डीडी हिल्स के हिल से नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे साइड साइड में छोटा छोटा सा लेक है, जिसको देखने के लिए हम उतरे हैं। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है। ये पूरा इवनिंग व्यू है, अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock, बट अभी अंधेरा नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। पीछे से आप लोग देख ही रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है ये व्यू। गाइज, यहाँ से देखिए इस लेक का व्यू कितना ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, और इस नेचुरल मतलब नेचर को फील करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों को ऐसा नेचुरल और नेचर चीज़ें देखना पसंद है कि नहीं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ का व्यूज़ देख लीजिए कितना ही अच्छा लग रहा है। होपफुली आप लोगों को मोर का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पे पीकॉक की आवाज़ आ रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये व्यूज़ देखने में। गाइज, यहाँ पे आप लोगों को मैं अभी ले चल रही हूँ एक दूसरी साइड के लेक पे, जो स्टार्टिंग में ही पड़ता है, मतलब हील्स के साइड में अगर आप जाते हो तो वो रास्ते में पड़ता है, बट हम लोगों ने पहले चूज़ किया कि हम हील्स देखेंगे, वापस आते टाइम यहाँ आएंगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा शाम हो गया है और होपफुली आप लोगों को पिकॉक की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पिकॉक का आवाज़ आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये है व्यू, आप लोगों को दिखा के हम लोग डायरेक्टली घर के लिए निकल जाएंगे। गाइज, यहाँ से देखिए इसका व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा और दिन होता तो और अच्छा लगता, बट कोई नहीं, आप लोग जब भी आइए थोड़ा सा टाइम लेके आइए। मेरे पास थोड़ा समय कम था, हम लोग लेट से निकले और यहाँ पे समय कम था, क्लोजिंग का टाइम आ गया है, अंधेरा हो गया है, बट देखने में ये सब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। होपफुली आप लोगों को ये व्यूज़ अच्छा लग रहा होगा। और मोर का आवाज़ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएगा, मुझे तो सुनाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को आज
आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप लोगों को डीडी हिल्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ न्यू कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, सी यू सून।